Hello everyone, welcome back to the channel last minute revision with RSM and here I am back with another video. So today we are going to have discussion on impact of liberalization, uh, privatization and globalization we will be covering in the next session. So this is the lecture number seven and welcome everyone to the new part which we are going to discuss and that will be the new trends in the business. So new trends in business in is session. और इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं कि एल का जो कॉन्सेप्ट है विच इज कॉल्ड एज लिबरलाइजेशन प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन उसका इम्पैक्ट क्या है तो दो चीज़ें पहले डिस्कस करवाऊंगा नंबर वन विल बी इंपैक्ट ऑफ लिबरलाइजेशन पॉजिटिव इंपैक्ट्स एज वेल एज नेगेटिव इंपैक्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस एंड इम्पैक्ट ऑफ प्राइवेटाइजेशन दोनों चीज़ें इसमें पढ़ेंगे और ग्लोबलाइजेशन अगले लेक्चर में कवर करवाऊंगा देखो नाइनटीन का जो पीरियड था नाइनटीन के पीरियड के पहले का जो पीरियड था उसको हम प्री रिफॉर्म पीरियड बोलते हैं 1991 में ड्रास्टिक चेंजेस आए थे और ड्रास्टिक चेंजेस में सबसे इंपॉर्टेंट है लिबरलाइजेशन प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन बिकॉज ऑफ दिस थ्री पॉइंट्स थ्री कंसेप्ट बहुत सारे चेंजेस हुए पहले गवर्नमेंट ही काफ़ी सारी चीज़ों को कंट्रोल करता था गवर्नमेंट के बेसिस पे ही काफ़ी सारी इंडस्ट्रीज मैनेज होती थी लेकिन 1991 के बाद जैसे लिबरलाइजेशन प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन का कंसेप्ट आया वैसे बहुत सारी चीज़ों में प्राइवेट सेक्टर भी इन्वॉल्व हुआ है तो वो सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे सबसे पहले अगर बात करें लिबरलाइजेशन की तो देखो न्यू ट्रेंड्स के बारे में मैंने आपको बताया नंबर वन इज़ लिबरलाइजेशन नंबर सेकेंड इज़ प्राइवेटाइजेशन एंड नंबर थर्ड इज़ ग्लोबलाइजेशन इन तीनों कन्सेप्ट को हम एल पी जी मॉडल भी बोलते हैं एल पी जी मॉडल का मतलब होता है लिबरलाइजेशन प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन इसके कुछ पॉजिटिव इम्पैक्ट्स हैं कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट्स है वो सारी चीज़ें एक एक करके पढ़ेंगे सबसे पहले हम लिबरलाइजेशन के बारे में देखते हैं देखो अगर लिबरलाइजेशन की बात करें तो लिबरलाइजेशन का मतलब होता है लिबरलाइज करना रिडक्शन ऑफ द गवर्नमेंट कंट्रोल गवर्नमेंट का कंट्रोल जो है वो कम करना और प्राइवेट सेक्टर के पास बहुत सारी चीज़ें मैनेज करने देता तो बेसिकली हम अगर प्राइवेट सेक्टर के पास बहुत सारी चीज़ों को मैनेज करने देंगे तो उसे हम क्या कहेंगे लिबरलाइजेशन ये कब हुआ था नाइनटीन में ये लिबरलाइजेशन का कंसेप्ट आया है ओपनिंग द डोर्स बेसिकली हम क्या करेंगे जो भी रेस्ट्रिक्शन होंगे जो भी बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस हमने रखे हैं गवर्नमेंट ने रखे हैं वो सारे रेगुलेशंस धीरे धीरे गवर्नमेंट की तरफ से कम होंगे तो प्राइवेट सेक्टर भी अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकता है और उसके बेसिस पे लोगों को अच्छे टाइप के सर्विसेस मिल सकते हैं तो विध द अनाउंसमेंट ऑफ द इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1991, नाइन्टी द प्राइवेट सेक्टर इज गिवन मोर फ्रीडम फ्रॉम द गवर्नमेंट कंट्रोल तो गवर्नमेंट कंट्रोल के बेसिस पे गवर्नमेंट के पास जितना कंट्रोल था गवर्नमेंट ने क्या किया प्राइवेट सेक्टर के पास कंट्रोल दे दिया बहुत सारी चीजों में प्राइवेट सेक्टर को इन्वॉल्व किया एंड दिस ऑल वाज पॉसिबल ड्यू टू द इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1991 इसलिए मैंने आपको बताया कि 1991 के पहले का पीरियड प्री रिफॉर्म पीरियड है 1991 के बाद का पीरियड बहुत सारे ड्रास्टिक चेंजेस आए थे दैट इज वाई इट इज़ पोस्ट रिफॉर्म पीरियड तो अगर हम इम्पैक्ट ऑफ लिबरलाइजेशन की बात करें तो वी हैव टू टाइप ऑफ इम्पैक्ट्स एवरी कॉइन एज टू साइड्स पॉजिटिव भी कुछ चीज़ें हैं नेगेटिव भी कुछ चीज़ें हैं तो सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे हम पढ़ेंगे पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या है पॉजिटिव इंपैक्ट के बारे में सबसे पहले देखते हैं फिर नेगेटिव के बारे में पढ़ते हैं देखो पॉजिटिव इम्पैक्ट की अगर बात करें तो टोटल फाइव पॉइंट्स हमें पढ़ने हैं नंबर वन है एबोलिशन ऑफ फेज़ मैन्युफैक्चरिंग प्रोग्राम देखो एबोलिशन ऑफ फेज़ मैन्युफैक्चरिंग प्रोग्राम का मतलब अगर हम देखें तो गवर्नमेंट ने विड्रॉ कर दिया फेज़ मैन्युफैक्चरिंग प्रोग्राम मतलब क्या है कि हंड्रेड परसेंट इंपोर्टेड रॉ मटेरियल्स हम यूज़ कर सकते हैं अगर हम फॉरेन से कोई भी रॉ मटेरियल्स परचेज़ करते थे 1991 के पहले तो बहुत सारा रेस्ट्रिक्शन उसके ऊपर था लेकिन गवर्नमेंट ने क्या कर दिया ये रेस्ट्रिक्शन रिमूव कर दिया मतलब आप अभी फॉरेन से 100 परसेंट रॉ मटेरियल इंपोर्ट कर सकते हो और वो यूज़ करके और अच्छा टेक्नोलॉजी या और अच्छे क्वालिटी के गुड्स बना पाओगे तो ये एक अच्छा इम्पैक्ट था ड्यू टू द कंसेप्ट ऑफ लिबरलाइजेशन फिर सेकेंड कंसेप्ट है लिबरलाइजेशन ऑफ इंडस्ट्रियल लोकेशन So, Indian companies are given freedom to locate the industries anywhere in the country. Only the six industries that require license and pollution, that is polluting industries, are restricted. बाकी के इंडियन कंपनीज कहीं पे भी अपना इंडस्ट्री को लोकेट कर सकते हैं तो इसको हम कहेंगे कि लोकेशन का भी प्रॉब्लम सॉल्व हो गया मतलब पहले क्या होता था कि लोकेशन के लिए भी हमें परमिशन लेना पड़ता था कि कौन से लोकेशन में कौन सा इंडस्ट्री आएगा लेकिन अभी सिक्स इंडस्ट्रीज को छोड़ के जो जिसके लिए लाइसेंसिंग कंपलसरी है और जो पोल्यूट करते हैं एनवायरमेंट को ऐसे इंडस्ट्रीज़ के लिए लोकेशन देखना बहुत ज़रूरी है लेकिन बाकी सारी इंडस्ट्रीज हम कहीं पर भी लोकेट कर सकते हैं तो ये भी एक अच्छा एडवांटेज हुआ ब्रॉड ऑफ दी इंडस्ट्रीज तो थर्ड पॉइंट है हमारा ब्रॉड ऑफ द इंडस्ट्रीज जो अगर हम इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1991 की बात करें तो ये 1991 में ब्रॉड ऑफ द इंडस्ट्रीज हुए है. मतलब जो रिलेटेड और सिमिलर प्रोडक्ट्स बनाने वाली कंपनी है उनको हम एक ग्रुप में रख सकेंगे और उसके बेसिस पे काफी अच्छा प्रोडक्शन मिक्स हो पाएगा मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था इफ यू रिमेंबर प्रोडक्शन दैट इज रिलेटेड विथ फोर पीस प्रोडक्ट प्राइस प्लेस प्रमोशन तो ब्रॉडबैंड ऑफ इंडस्ट्रीज में क्या हुआ 1991 के बाद जो सिमिलर इंडस्ट्रीज है उसको हमने क्लब्ड कर दिया एक साथ और वो काफी अच्छा यूज होने लगा उसका काफी अच्छा बेनिफिट मिलने लग गया ठीक है नेक्स्ट पॉइंट इज हमारा कंपटीशन एक्ट 2002 तो कंपटीशन एक्ट गवर्नमेंट ने 2002 इंट्रोड्यूस किया और वो बेसिकली किस लिए इंट्रोड्यूस किया गया कस्टमर्स के साथ चीटिंग ना हो कस्टमर्स जो हमारे प्रोडक्ट्स को परचेस करते हैं उनके लिए काफ़ी सारे पॉइंट्स हैं तो जो आ, कॉम्पिटिटर्स अपने प्रोडक्ट्स बनाएंगे वो अगर कस्टमर्स के साथ चीट करेंगे तो उसके लिए कॉम्पिटिशन एक्ट टू थाउजेंड टू भी आया है पहले एमआर टी पी एक्ट था मोनोपोलिज एंड रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस एक्ट उसको रिप्लेस करके फिर कॉम्पिटिशन एक्ट टू थाउजेंड टू बनाया गया और कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट नाइनटीन एटी सिक्स को अलग कर दिया गया तो ये आपको याद रखना है और हमारा नंबर फिफ्थ पॉइंट है डी लाइसेंसिंग तो डी लाइसेंसिंग में कुछ इंडस्ट्रीज़ ऐसे थे जिसके लिए लाइसेंसिंग कंपलसरी था लेकिन काफ़ी सारे फॉर्मेलिटीज़ आपको कंप्लीट करनी पड़ती थी बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस फ़ॉलो करने पड़ते थे तो कुछ इंडस्ट्रीज़ के लिए डी लाइसेंसिंग प्रोसीजर शुरू किया गया मतलब ज़्यादा रूल्स एंड रेगुलेशन फ़ॉलो नहीं करने ज़्यादा प्रोसीजर्स फॉलो नहीं करने हैं और आपको सीधा आप अपना बिज़नेस शुरू कर सकते हैं तो ये सारी चीज़ों की वजह से और नए नए बिजनेस मार्केट में एस्टैब्लिश हुए एंड दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ द कंसेप्ट ऑफ लिबरलाइजेशन आगे बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट पॉइंट में जाएंगे तो कुछ नेगेटिव एस्पेक्ट्स भी है इसके पहला है प्रॉब्लम ऑफ फेज मैन्युफैक्चरिंग प्रोग्राम तो अगर हम फेज मैन्युफैक्चरिंग प्रोग्राम की बात करें तो इसमें क्या था मैंने आपको बताया कि 100 परसेंट हम रॉ मटेरियल्स को इंपोर्ट कर सकते हैं लेकिन अगर हम 100 परसेंट रॉ मटेरियल्स को इंपोर्ट करेंगे तो उसका प्रॉब्लम डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़ को होगा बिकॉज डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज से हम फिर कुछ परचेस ही नहीं करेंगे तो दैट इज़ अ प्रॉब्लम तो ये है नेगेटिव एस्पेक्ट फिर प्रॉब्लम ऑफ लिबरलाइजेशन ऑफ इंडस्ट्रियल लोकेशन तो गवर्नमेंट ने इंडस्ट्रियल लोकेशन के लिए फिर क्या कर दिया कि लिबरलाइज़ कर दिया तो कहीं पर भी जाके बिजनेस हम एस्टैब्लिश कर सकते हैं तो उसके वजह से भी काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स हो गए फिर नेक्स्ट है प्रॉब्लम्स ऑफ ब्रॉडबैंडिंग ऑफ इंडस्ट्रीज तो ब्रॉड बैंडिंग ऑफ इंडस्ट्रीज के बेसिस पे क्या हुआ कि सिमिलर सिमिलर एक्टिविटीज वाले इंडस्ट्रीज क्लब हो गए उसकी वजह से बहुत सारे लोगों को अपने जॉब्स से निकाला गया वर्कर्स विल वर्कर्स में लूज द जॉब ले ऑफ हो गया क्योंकि लिए दो दो इंडस्ट्रीज होंगे तो दो इंडस्ट्रीज में अगर बहुत सारे वर्कर्स काम करते हैं अगर उसको हम क्लब करके एक करेंगे तो कंपनी क्या करेगा कॉस्ट कटिंग के लिए वर्कर्स को ले ऑफ कर देगा रिमूव कर देगा फिर प्रॉब्लम ऑफ डी लाइसेंसिंग तो डी लाइसेंसिंग की वजह से क्या हुआ बहुत सारे नए नए इंडस्ट्रीज एस्टैब्लिश हुए उसमें फ्रॉड भी बहुत सारे हो, होने स्टार्ट हो गए इसलिए डी लाइसेंसिंग की वजह से ये प्रॉब्लम हो गया बेसिकली देखो कुछ एडवांटेज होंगे तो कुछ डिसएडवांटेज होंगे लेकिन लिबरलाइजेशन ने काफ़ी सारी चीज़ों को चेंज कर दिया तो ये हमारे पॉजिटिव और नेगेटिव इम्पैक्ट है अभी हम पढ़ेंगे प्राइवेटाइजेशन के बारे में देखो प्राइवेटाइजेशन का मतलब होता है डी रिजर्वेशन करना या डिस इन्वेस्टमेंट करना मतलब जो पब्लिक सेक्टर यूनिट्स है उसको बेच देना उसका कुछ पार्ट सेल कर देना और प्राइवेटाइज कर देना प्राइवेट सेक्टर के हाथ में वो सारी चीज़ों को मैनेज करने देना दैट इज़ कॉल्ड एज दी प्राइवेटाइजेशन अभी बहुत सारे प्रैक्टिकल एग्जाम्पल आप देख सकते हो देखो मेट्रो जो है मेट्रो गवर्नमेंट मैनेज नहीं करता जैसे मुंबई मेट्रो की बात करें तो रिलायंस इज मैनेजिंग दैट रेलवेज अभी भी इंडियन रेलवेज ही मैनेज कर रहा है लेकिन इंडियन रेलवेज में भी आपने देखा होगा कुछ ट्रेन को इंडियन रेलवेज ने प्राइवेटाइज कर दिया उसका बेस्ट एक्जाम्पल तेजस एक्सप्रेस तेजस एक्सप्रेस देखो मुंबई से गोवा चला अभी बहुत सारे एरियाज में तेजस एक्सप्रेस चलता है लेकिन ये प्राइवेटाइज है आई आर सी टी सी मैनेज करता है उसको तो प्राइवेटाइजेशन भी बहुत ज़रूरी है बिकॉज जितना प्राइवेटाइजेशन धीरे 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 होगा उतना सर्विसेज की क्वालिटी भी बढ़ती जाएगी तो इम्पैक्ट ऑफ लिबरलाइजेशन तो हमने पढ़ लिया पॉजिटिव और नेगेटिव इम्पैक्ट सिमिलरली ये प्राइवेटाइजेशन के भी कुछ इम्पैक्ट्स है पॉजिटिव और नेगेटिव दो ही है तो नंबर वन है बेनिफिट्स ऑफ डी रिजर्वेशन तो कुछ इंडस्ट्रीज़ uh, की बात करेंगे यहाँ पे डी रिजर्वेशन कर दिया मतलब गवर्नमेंट हैज डी रिजर्व पब्लिक सेक्टर पब्लिक सेक्टर की कुछ इंडस्ट्रीज को डी रिजर्व कर दिया डी रिजर्व का मतलब प्राइवेट सेक्टर भी उस इंडस्ट्रीज में आ सकेंगे जैसे आप इंश्योरेंस के बारे में जानते हैं देखो इंश्योरेंस पहले एल ही प्रोवाइड करता था लेकिन अभी क्या है इंश्योरेंस एच डी भी प्रोवाइड करता है आई भी प्रोवाइड करता है स्टैंडर्ड लाइफ भी प्रोवाइड करता है बहुत सारे प्राइवेट बॉडीज भी इसमें इन्वॉल्व हुए हैं तीन इंडस्ट्रीज गवर्नमेंट ने खुद के पास रखी है बाकी सारी इंडस्ट्रीज़ को गवर्नमेंट ने क्या कर दिया प्राइवेट सेक्टर को मैनेज करने दे दिया मतलब प्राइवेट सेक्टर भी उस इंडस्ट्रीज़ में या उस एरिया में आ सकता है फिर बेनिफिट्स ऑफ डिस इन्वेस्टमेंट की बात करें तो डिस इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है गवर्नमेंट जो अपना पब्लिक सेक्टर होल्डिंग है या शेयर होल्डिंग है उसको प्राइवेट सेक्टर को बेच देगा तो उसका भी काफ़ी फायदा हो गया बिकॉज अगर प्राइवेट सेक्टर के हाथ में जाएगा तो प्राइवेट सेक्टर काफ़ी अच्छे क्वालिटी के सर्विसेज कस्टमर्स को प्रोवाइड कर सकता है तो दैट इज द पॉजिटिव इंपैक्ट और ये अगर पॉजिटिव इंपैक्ट है तो यही नेगेटिव इंपैक्ट भी होंगे तो प्रॉब्लम्स ऑफ डी रिजर्वेशन तो डी रिजर्वेशन के भी काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स होने स्टार्ट हो गए प्राइवेट सेक्टर अपनी मनमर्जी करने लग गया और प्राइवेट सेक्टर एक्सपांशन के लिए लोगों से काफ़ी ज़्यादा पैसे लेने लग गया बिकॉज उसके वजह से नए नए एरियाज में अगर एस्टैब्लिश करेगा बिजनेस और वो अगर प्रॉपर्ली मैनेज नहीं करेगा और रिसीशन हो गया तो, तो, तो दैट विल बी अ प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन बिकॉज प्राइवेट सेक्टर को सर्विसेज के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा नेक्स्ट इज प्रॉब्लम ऑफ डिस इन्वेस्टमेंट और डिस इन्वेस्टमेंट की वजह से क्या हो गया एक्सप्लॉयटेशन हो गया वर्कर्स का वर्कर्स से बहुत काम करवा के प्राइवेट सेक्टर कंपनीज लेते हैं फिर एक्सप्लॉयटेशन हो गया कस्टमर्स का कस्टमर्स का एक्सप्लॉयटेशन कैसे हो गया बिकॉज कस्टमर से हाई प्राइसेस चार्ज होना स्टार्ट हो गया तो ये नेगेटिव इंपैक्ट है लेकिन अगर हम नेगेटिव पॉजिटिव इंपैक्ट की बात करें तो पॉजिटिव इंपैक्ट थोड़े ज्यादा थे कंपेरेटिवली बिकॉज बहुत सारे ड्रास्टिक चेंजेस आए ड्यू टू द मॉडल ऑफ एलपीजी लिबरलाइजेशन प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन सो दैट्स इट फ्रॉम दिस सेशन यू लाइक द वीडियो लाइक करें अपने फ्रेंड्स में शेयर करें और चैनल पे पहली बार आया हो तो सब्सक्राइब कर ले अगले लेक्चर में पढ़ेंगे ग्लोबलाइजेशन के बारे में द प्रोसेस ऑफ लिंकिंग द डोमेस्टिक इकोनॉमी विद द फॉरेन इकोनॉमी उसके बारे में थोड़ा सा डिटेल पढ़ेंगे उसके भी इम्पैक्ट कंप्लीट करेंगे थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू बाय बाय टेक केयर